जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य ट्रिकी वीडियो है ना। आज हम आपको ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न याद करवाएंगे, ऐसी फनी ट्रिक बताएंगे कि आप जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकते। आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, PGT की कर रहे हैं, टेट एग्जाम या फिर RPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या LT ग्रेड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और शेयर करना है। आज मैं फनी ट्रिक से और रोज आपकी सुबह 9:40 पर हिंदी साहित्य का ट्रिकी वीडियो आता है सेल्फ स्टडी क्लासेस पर, तो जरूर जुड़ें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है। अब 2 सेकंड दोस्तों आपको दिए जाते हैं आपको उत्तर बताना है। मैं आपको बता दूं कि वीडियो में सबसे पहले आपको टेस्ट करवाया जाएगा, फिर ट्रिक बताई जाएगी, ठीक है। तो कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किसने कहा है? उत्तर होगा श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा? श्याम सुंदर दास, यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक चीज बताना दोस्तों कि जो पंचमेल खिचड़ी बनेगी वो कैसी बनेगी, सुंदर बनेगी कि नहीं बनेगी? सुंदर बनेगी ना, तो पंचमेल खिचड़ी कौन बोलेगा? श्याम सुंदर दास बोलेंगे ना। अब पंचमेल खिचड़ी है तो बहुत सुंदर बनेगी, तो श्याम सुंदर दास, यानी कि आपका आ नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, फनी ट्रिक से याद करवाएंगे आपको, सिर्फ पूरा वीडियो देखना है। सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है? अब 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं, फिर मैं आपको फनी ट्रिक से याद भी करवा दूंगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्यवती कथा के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो कौन है? ईश्वरदास। आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, ईश्वरदास। अब इसको कैसे याद रखना है दोस्तों, एक चीज बताना कि जो ईश्वर हैं, ईश्वर की जो कथा होती है वो कैसी होती है, सत्य होती कि नहीं होती? अब उत्तर तो आपके हाथ है ना, वो कैसी होती है? सत्य होती है, ईश्वर की कथा हमेशा सत्य होती है। तो सत्यवती कथा के रचनाकार कौन होंगे? ईश्वरदास, ठीक है। इस प्रकार से हमें याद भी करना है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है, सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसने माना है? तो आपको जल्दी से उत्तर बताना है, सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसने माना है? तो 2 सेकंड में आपने अपना उत्तर बताया है दोस्तों, किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि विकल्प नंबर जो सा है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखोगे कि सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना? अब एक चीज बताना दोस्तों, हमने पढ़ लिया कि सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है ना। अब सत्यवती कथा जब ईश्वरदास की रचना है तो इसको एक बार नहीं पढ़ा जाएगा दोस्तों, इसको हजार बार पढ़ा जाएगा। कितने बार पढ़ा जाएगा? हजार बार पढ़ा जाएगा। तो सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना कौन मानेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि इसको हजार बार पढ़ा जाएगा। हम बोलते हैं ना, कृष्ण लीला हजार बार सुन रहे हैं, रामायण हजार बार सुन रहे हैं, रामचरितमानस हजार, क्योंकि ये सत्य कथा है ना। वैसे ही सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है और इसको हम हजार बार पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे याद रखना है दोस्तों। अब आपको बताना है आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी है, तो 2 सेकंड में आपको अपना उत्तर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कितना, 12। आल बार यहां पर क्या आ रहा है, आल वार, तो वार से क्या बनेगा आपका, 12। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है, 12, ठीक है, वार से 12, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अब 2 सेकंड में आप अपना उत्तर बता देना, फिर आपको ट्रिक से याद करवा देंगे हम। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, अद्वैतवाद के प्रवर्तक, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, शंकराचार्य, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों शंकराचार्य से क्या बनेगा, शंकर जी, और शंकर जी दुनिया में कितने हैं, अद्वितीय हैं। अद्वितीय हैं कि नहीं है, कि बहुत सारे हैं? अद्वितीय हैं दुनिया में शंकर जी, क्या है, अद्वितीय हैं। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन होंगे, कौन होंगे? शंकराचार्य, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना है। अगला बताना दोस्तों, रैदास के गुरु का नाम क्या था? रैदास, तो
आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, आपको बताना है दोस्तों रैदास के गुरु का नाम। तो हम भी कहते हैं कि हम राम के दास बनकर रहेंगे, हम राम के दास बनकर रहेंगे, राम के चरणों में रहेंगे, उनके दास रहेंगे। तो रैदास के गुरु का नाम क्या था, रामानंद, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रामानंद के कितने शिष्य थे दोस्तों, 12 शिष्य थे। ठीक है, और इनके जो है एक शिष्य थे कौन, रैदास, यानी कि रैदास के गुरु कौन थे, रामानंद थे। ठीक है, ये चीज याद रखनी है दोस्तों। अगला बताना, अनुराग मांसरी के रचनाकार कौन है, 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं। तो आपने बिल्कुल सही बताया है दोस्तों, अनुराग मतलब क्या होता है, अनुराग मतलब होता है दोस्तों प्रेम, क्या होता है, मैं अनुराग करता हूँ उससे, प्रेम करता हूँ, और जो प्रेम करता है ना, और प्रेम को क्या कहते हैं, और प्रेम की बांसुरी बजाता है वो क्या करेगा, है ना, उसी को कहते हैं हम क्या, मोहब्बत। तो यहाँ से नूर मोहम्मद, है ना, हम बोलते हैं ना नूर जहाँ से प्यार करते थे वो, नूर जहाँ से प्रेम करते थे, ऐसे ही नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी, है ना, क्योंकि ये अनुराग करते थे, मोहब्बत करते थे काय से, बांसुरी से। तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन होंगे, नूर मोहम्मद, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला बताना है दोस्तों, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, रामचरितमानस दोस्तों जल्दी से बताना है, आपका बिल्कुल सही आंसर क्या आ गया है, रामचरितमानस, है ना, ये तुलसीदास जी की रचना है, रामचरितमानस महाकाव्य है। ठीक है, और इसमें कितने खंड हैं, कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे, है ना, तो रामचरितमानस दोस्तों आपको पता है कि राम के जीवन पर आधारित है, तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, और राम जी जब वन में जा रहे थे तो बहुत सारे लोग कहाँ जा रहे थे, साथ जा रहे थे, साथ, तो तुलसीदास ने सोचा यार सब लोग साथ जा रहे थे तो रामचरितमानस में भी 7 कांड रखेंगे, है ना, तो इसमें 7 कांड हैं, इस प्रकार से याद रखेंगे। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है दोस्तों, विनय पत्रिका, अब एक चीज बताना दोस्तों कि संसार में सबसे ज्यादा विनय राम जी की किसने की है, विनय पूर्ण दोहे लिखे हैं, विनय की है, किसने की है, तो वो की है दोस्तों किसने, तुलसीदास जी ने। ठीक है, तुलसीदास यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही है, है ना, आपने सुना है, क्या सुना है, कि चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। दोस्तों जो विनय पत्रिका है ये ब्रज भाषा में तुलसीदास जी की रचना है, याद रख लेना, कई बार पूछी जाती है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो भाषा है ब्रज भाषा और तुलसीदास जी की है। ठीक है, अगला बताना दोस्तों भक्तमाल के रचनाकार कौन है, भक्तमाल, तो अब एक चीज बताना दोस्तों कि जो भक्त होते हैं, भक्त, है ना, भक्त क्या करते हैं, आकाश की ओर, नभ की ओर क्या करते हैं, सिर करते हैं और ऐसे भगवान को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, कौन, भक्त, कहां सिर करते हैं, नभ की ओर। तो भक्तमाल के रचनाकार कौन होंगे, नभ से नावादास, है ना, भक्तमाल जो भक्त होते हैं वो नभ की ओर सिर करके नमस्कार करते हैं, तो भक्त से नाभा, भक्त क्या करते हैं, नभ की ओर, तो नावादास, है ना, तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है, नावादास। ठीक है, अगला प्रश्न बताना है दोस्तों आपके भंवर गीत के रचनाकार कौन है, भंवर गीत ये है दोस्तों भंवर, और आपने सुना होगा कि जब ब्याह होता है किसी का तो क्या पड़ती है, भांवरें पड़ती हैं, और जब नई नई दुल्हन होती है और क्या करती है, भांवरें पड़ के जाती है, तो सबसे ज़्यादा वो देखती है, क्या देखती है, कि नंद कैसी है, नंद कैसी है, और नंद अगर तेज हुई तो सोचती है यार नंद की भांवर पड़ जाती जल्दी, नंद की भंवर जल्दी पड़ जाती, तो भंवर गीत के रचनाकार कौन होंगे, नंद की भांवर पड़वाते हैं जल्दी, तो नंददास, यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, भंवर गीत नंददास की रचना है। ठीक है, तो जो कृष्ण काव्यधारा थी दोस्तों, कृष्ण काव्यधारा में सूरदास जी के बाद नंददास जी का नंबर आता था, है ना। अगला बताना है रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है, मैं सिर्फ दोस्तों ट्रिक से याद करवा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आपको बता सकता हूँ लेकिन रामायण में ट्रिक से ही याद करवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है, अब दोस्तों आपको 2 सेकंड में उत्तर बताना है, और मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे रहा हूं कि जो रामायण महानाटक है और जो रामायण है वो हमारी क्या है, प्राण है कि नहीं है,
हम बोलते हैं कि रामायण तो हमारी प्राण है, प्राणों के समान है, हम उसको पढ़ते हैं, उससे सार तत्व ग्रहण करते हैं, तो हमारी क्या है प्राण, तो रामायण महानाटक के रचनाकार कौन हो जाएंगे, कौन होंगे? अब आपको ही बताना है कि रामायण तो हमारी प्राण है, तो प्राणचंद चौहान, यानी कि जो 2 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? अब दोस्तों सबसे पहली बात तो यही आती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो आप बता देते हो केशवदास की रामचंद्रिका को। ठीक है, लेकिन रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा किसने है? तो एक चीज बताएं कि जिसने इस रामचंद्रिका का स्वरूप देखा होगा वो ही बता सकता है कि ये छंदों का अजायब घर है। अगर ये पुस्तक बंद है, इसको देखकर आप बता सकते हो कि इसके अंदर क्या है? नहीं बता सकते ना। जिसने रामचंद्रिका का स्वरूप देखा वही बताएगा कि ये छंदों का अजायब घर है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने स्वरूप देखा और इन्होंने बता दिया कि ये क्या है, छंदों का अजायब घर है, और 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, फनी ट्रिक याद हो जाएगा दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखना है। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती, आपने दोस्तों एक वो सुना होगा कि बैर कराते मंदिर मंदिर मस्जिद और मेल कराती मधुशाला, एक सुना है ना आपने, तो आपने देखा होगा कि समाज में कई ऐसे लोग होता है उनका मंजनई मंजनई मधु से होता है। कैसे होता है? मंजन मधु से होता है, तो मंजन मधु से होता है, तो मधुमालती के रचनाकार कौन होंगे? मंजन होंगे ना, मंजन यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हमें ट्रिकी याद करना है दोस्तों, याद बस करने का माध्यम है कि हमारे माइंड में कैसे वो फिट बैठती है, याद होती है। ठीक है, अगला बताना है दोस्तों आपको, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर हैं, ये कथन किसका है? हिंदी भक्ति काव्य का जो काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर हैं, ये कथन किसका है? तो ये चीज तो कौन बता देंगे? बच्चन बच्चे बता देंगे, सभी को पता है। कौन बता देंगे? बच्चे भी बता देंगे कि हिंदी भक्ति काव्य के जो प्रथम क्रांतिकारी कवि हैं वो कबीर हैं। बच्चा भी बता देगा साहब, क्योंकि भक्ति से ओतप्रोत थे कबीर दास ने, समाज को फटकारा और भक्ति से, तो ये बच्चे बता देंगे, तो बच्चन सिंह का कथन होगा। किसका होगा? बच्चन सिंह, यानी कि जो 2 नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, ये कथन किसका है? वचन सिंह का। ठीक है, इस प्रकार से कथन भी याद हो जाएंगे आपको, आप बिल्कुल चिंता न करें। निरंतर सीरीज देखना है, रोज 9:30 पर आपकी, रोज सुबह 9:30 पर ट्रिकी वीडियो होगा। ठीक है, तो जरूर देखें, और रात्रि 9 बजे आपकी हिंदी साहित्य की विस्तृत क्लास होती है, तो उसको भी देखना है। गुरु नानक का जन्म हुआ था तो कहां हुआ था दोस्तों? सिख संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं गुरु नानक। अब यहां पर क्या आ रहा है? नानक, नाना आ रहा है, तो ननकाना, नानक ननकाना, है ना, इस प्रकार से। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था कहां पर? ननकाना। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताना दोस्तों, नगेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी काव्य रचना कौन सी है? सूफी काव्य धारा आपने पढ़ी होगी भक्ति काल में। अब सूफी काव्य रचना बतानी है तो नगेंद्र के अनुसार बताना है, तो जल्दी से बताएं 2 सेकंड में आपको, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि अगर आपके सामने नांग आ जाए तो आप हंसोगे कि दौड़ लगा दोगे, है ना। अगर अचानक आपके सामने ऐसे करके नांग आ जाए तो आप हंसोगे कि दौड़ लगा दोगे, है ना, दौड़ लगा देंगे। तो नगेंद्र के अनुसार जो सूफी काव्य की प्रथम रचना है वो हंसावली है। कौन सी है? हंसावली। ठीक है, याद रख लेना, हंसना नहीं है, हंसना नहीं है, अगर नांग आ जाए तो हंसना नहीं है, दौड़ लगा देना है, तो हंसावली है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला बताना है दोस्तों आपको, सुंदर विलास किसका ग्रंथ है? सुंदर विलास, तो प्रश्न क्रमांक 18 है और 2 सेकंड है, बिल्कुल आप आसानी से बता देंगे कि सुंदर आ रहा है तो सुंदर विलास सुंदरदास का ही होगा। ठीक है, सुंदरदास, ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सुंदरदास का ये ग्रंथ है सुंदर विलास। अगला बताना है दोस्तों, निम्न में से अष्टछाप का कवि नहीं है। अष्टछाप को जो स्थापना हुई थी, मैं आपको अभी क्वेश्चन पूछूंगा उसका,
वो अभी नहीं बता रहा हूं मैं आपसे। तो निम्न में से अष्टछाप का कवि नहीं है बताना है। अष्टछाप की स्थापना मैं आपको इतना बता दे रहा हूं कि विट्ठल नाथ ने की थी, ठीक है, लेकिन कौन सा कवि नहीं है इनमें से। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा आपका, नंददास जी भी हैं, सूरदास जी भी हैं, छीत स्वामी हैं, लेकिन कौन नहीं है, नावादास, जिनकी रचना हमने पढ़ी थी, कौन सी है, भक्तमाल, है ना, भक्तमाल इनकी रचना है, और ये नावादास जो हैं ये अष्टछाप के कवि नहीं है, यानी कि आपका जो उत्तर है आ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब लोग कन्फ्यूज होते हैं दोस्तों, यहाँ भी दास आ रहा है, यहाँ भी दास आ रहा है, यहाँ भी दास आ रहा, तो ये तीनों तो होने चाहिए, ये छीत स्वामी आ रहा तो ये नहीं होनी चाहिए, ऐसे कर देते हैं, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनको ज्ञान है। कुंभन दास के गुरु कौन थे दोस्तों, बल्लभाचार्य, रामानंद, कबीरदास या विट्ठलनाथ। तो अब दोस्तों यहां पर बताना है, फंस गई ना कैसेट, कि बल्लभाचार्य के हैं कि विट्ठलनाथ के हैं। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि अगर कुंभ के मेले में जाना है तो क्या होना चाहिए, बल होना चाहिए, क्योंकि भीड़ इतनी रहती है कि आपके अंदर अगर बल नहीं होगा तो आप कुंभ के मेले में नहीं जा सकते। तो कुंभ के मेले में बल चाहिए, तो कुंभन दास के गुरु कौन होंगे, बल से वल्लवाचार, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कि भरत मिलाप की रचनाकार कौन है, अब भरत मिलाप की रचनाकार बताना है दोस्तों आपको कौन है, चार विकल्प हैं और 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं। फिर मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, थोड़ी सी हिंट देता हूँ कि भरत का मिलाप किससे हुआ था, ईश्वर से हुआ था ना, भरत का मिलाप ईश्वर, है ना, श्री राम से हुआ था। तो भरत मिलाप के रचनाकार कौन होंगे, भरत का मिलाप ईश्वर से हुआ था, तो ईश्वरदास, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही याद हो जाएंगे दोस्तों आपको। अगला बताना है आपको, बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है, प्रश्न क्रमांक 2 कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। अब 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, आपको उत्तर भी बताना है और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, है ना। यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही हैं कि मैं आपको टेस्ट भी करवा रहा हूँ और ट्रिक से याद भी करवा रहा हूँ। तो जल्दी से बताएं, बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बंगला से क्या बनेगा, बंगला जिसमें आप क्या करते हो, बास करते हो, तो बंगला भाषा में रचित जो राम कथा होगी वो कौन सी होगी, बास से कृतिवास रामायण, है ना, हमने याद कर लिया कि बंगला भाषा का आया तो बंगला में हम क्या करते हैं, बास, तो कृतिवास रामायण, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ये है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सरल है, आप कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि हैं थे। तो 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं दोस्तों। तो अब एक चीज बताना दोस्तों कि श्रृंगार की जरूरत किसे नहीं होती, आप बोलते ना कि खूबसूरत लोगों को सजने की जरूरत नहीं होती है, है ना, तो जो सुंदर होते हैं उन्हें श्रृंगार की जरूरत नहीं है, तो वो श्रृंगार का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो श्रृंगार रस के विरोधी कवि कौन होंगे, जो सुंदर होंगे, यानी कि सुंदरदास, और दा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अब आप कभी नहीं भूलोगे दोस्तों, है ना। अगला बताना है दोस्तों, संत काव्य का प्रधान रस कौन सा है, संत काव्य धारा भक्ति काल की जो संत काव्य धारा थी, है ना, वो बताना है, जिसे ज्ञान मार्गी शाखा भी कहा जाता है। अब इसका जो प्रधान रस है वो कौन सा है, ये 4 विकल्प है, 2 सेकंड आपको बताना, मैं आपको हिंट दे रहा हूं दोस्तों कि दुनिया में संत क्यों बनते हैं, आदमी क्यों बनते हैं, आत्म शांति के लिए, कि मुझे आत्म शांति मिलेगी, इस दुनिया की भाग दौड़ में कुछ नहीं रहा है, तो संत काव्य धारा में संत बने व्यक्ति तो आत्म शांति के लिए, तो संत काव्य का प्रथम जो प्रधान रस होगा वो कौन सा होगा, शांत रस, है ना, क्योंकि ये शांति के लिए ही तो संत बने हैं, तो आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहने वाले आलोचक कौन थे, तो कौन थे, 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड में आपको अपना उत्तर बताना है, और फिर मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि दोस्तों कबीर की वाणी थी ही ऐसी कि उन्हें वाणी का डिक्टेटर एक बार नहीं, हजार बार बोलो तब भी वो वाणी के डिक्टेटर थे, हजार बार बोलोगे तो
हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। बाणी के डिक्टेटर किसने बोला? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, क्योंकि वो बाणी के डिक्टेटर थे और उन्हें एक बार नहीं हजार बार बोलेंगे तब भी वो बाणी के डिक्टेटर थे, ठीक है, याद रख लेना। अब अगला बताना दोस्तों, उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन है? चार विकल्प है, दो सेकंड है आपके पास, उत्तर भी आपको बताना है, अगर बनता है तो कमेंट में उत्तर लिखते जाइए आप। उज्ज्वल नीलमणि की रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो एक बताना दोस्तों कि आप लोग पढ़ते ना कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, है ना। तो क्या हो रहा है उज्ज्वल? रूप क्या हो रहा है? रूप उज्ज्वल हो रहा है, तो उज्ज्वल रूप हो रहा है तो उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन होंगे? कौन होंगे? रूप गोस्वामी, है ना, क्योंकि क्या हो रहा है? रूप उज्ज्वल हो रहा है, ठीक है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला बताना दोस्तों, विशिष्टा द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? चार विकल्प है, चार में से एक का चयन करना है, विशिष्टा द्वैतवाद के प्रवर्तक बताना है। और मैं आपको बता दूं कि इस संसार में विशिष्ट कौन है? कौन है विशिष्ट? राम, है ना, राम है ना। तो विशिष्ट अद्वैतवाद के कौन होंगे? रामानुजाचार, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका एक है वो सही है, है ना। यहाँ पर कहा कि सर संसार में विशिष्ट हैं कौन? राम। तो विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाएंगे? रामानुजाचार, ठीक है। यानी यह नंबर आपका बिल्कुल सही हो रहा है। अगर दोस्तों वीडियो आपको याद हो रहा है, प्रश्न याद हो रहे हैं, ट्रिक अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। अब बीसल देव रासो के रचनाकार बताना है दोस्तों। बीसल देव, है ना, रासो के रचनाकार कौन होंगे? दो सेकेंड में आपको उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये रचना कई बार पूछी गई है दोस्तों। और आपको बता दूं कि अजमेर के राजा के प्रेम प्रसंग या वियोग से संबंधित है, है ना। तो ये श्रृंगारिक रचना मानी जाती है और गीति काव्य मानी जाती है, ये बीसल देव रासो, है ना। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? नरपति नाल, है ना। और मैंने आपको कई बार याद करवाया है कि पति कितने नहीं होते? 20 नहीं होते, एक होते हैं। तो बीसल देव रासो के रचनाकार कौन होंगे? नरपति नाल, है ना, नरपति नाल, इस प्रकार से याद रखेंगे। अब अगला बताना है दोस्तों, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण के संपादक कौन थे? समाचार सुधावर्षण, सबसे पहले तो ये चीज याद रखनी है कि ये हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसका प्रकाशन हुआ था 1854 में। कहां से हुआ था? कलकत्ता से, ठीक है, कलकत्ता से हुआ था। लेकिन इसके संपादक कौन थे, तो ये चीज आपको बतानी है दोस्तों। ये एक चीज बताना जरा आप, कि जो आप समाचार देखते हो तो सुंदर सुंदर समाचार, है ना, आप चाहते हो यार सुंदर सुंदर समाचार मिल जाए, अच्छी अच्छी खन, है ना, सनसनी खबर मिल जाए सुंदर सुंदर। तो जो समाचार सुधा वर्षण है, है ना, सुधा वर्षण, और सुधा तो कैसी रहती है? सुंदर रहती है, है ना। सुधा यानी अमृत, और अमृत कैसी रहती है? अमृत रहता है आपका कैसा? सुंदर। तो श्याम सुंदर सेन, है ना, ये संपादक थे। 1854 में इसका प्रकाशन हुआ था, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है और ये प्रकाशन हुआ था कलकत्ता से। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? अब सूरदास जी आ गए, ये वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं, है ना। दो सेकंड आपको याद बताते हैं दोस्तों, फिर आपको बताना, दो सेकंड में आप उत्तर बताएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि सूरदास जो थे, इन्होंने इतनी रचनाएं की लिखी हैं, इतने दोहे लिखे हैं, जिसमें बल होगा वही तो लिखेगा कि नहीं लिखेगा? जिसमें बल होगा वही लिखेगा। तो सूरदास जी के गुरु भी कौन होंगे? बल्लभाचार्य। और इन्होंने सूरदास को इतना बल दिया कि इन्होंने बहुत बहुत दोहे लिखे। और रामचंद्र शुक्ल ने तो इन्हें वात्सल रस का क्या कह दिया? सम्राट कह दिया। और वास, है ना, और इन्हें दोस्तों कह दिया, क्या कह दिया, कि जो सूरदास हैं वो क्या है? वात्सल रस का कोना कोना घुमाए हैं, है ना। इनके अलावा इस रस में इतनी प्रतिभा किसी में नहीं थी, सूरदास जी में। और सूरदास जी के जो गुरु थे वो कौन थे? बल्लभाचार्य, क्योंकि बल्लभाचार्य ने इतना बल भर दिया था सूरदास जी में, ठीक है। तो आपका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है दोस्तों? अब दोस्तों यहाँ पर दो सेकंड में आपको उत्तर बताना, फिर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ कि पृथ्वी, पृथ्वी की बात आई है
तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? कौन सा है? चंद्रमा। तो पृथ्वीराज राशो के जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे? चंद्रमा से आपका बनेगा क्या? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई यानी कि जो आ नंबर है बिल्कुल सही है। ये पृथ्वीराज राशो के कौन हैं? रचनाकार हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज राशो, और हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चतुर्भुज दास के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? चतुर्भुज दास। ये अष्टछाप के क्या थे? अष्टछाप में शामिल थे चतुर्भुज दास। अब एक चीज बताना, चतुर्भुज से नहीं लग रहा आपको कि चार भुजाएं है ना? ये क्या करते थे? चार भुजाएं बैठे बैठे फैला देते थे। क्या करते थे? चतुर्भुज दास चार भुजाएं बैठे बैठे फैला देते थे। तो चतुर्भुज दास के गुरु कौन होंगे? कौन होंगे? बैठे बैठे फैलाते थे तो विट्ठलनाथ। कौन होंगे? विट्ठलनाथ। याद रख लेना, आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे अष्टछाप की स्थापना हुई, आठ कवि अष्टछाप में थे, चार कौन थे? वल्लभाचार्य के शिष्य, और चार थे किसके? विट्ठलनाथ के। ठीक है, उन विट्ठलनाथ के शिष्यों में चतुर्भुज दास एक थे। चतुर्भुज दास ने बैठे बैठे भुजा फैला दी, तो इनके गुरु का नाम हो गया विट्ठलनाथ। इस प्रकार से अगला बताना दोस्तों, संदेश राशक के रचयिता कौन है? संदेश राशक, पहले क्या होता था कि संदेश भेजते थे, बहुत दूर होता था, बहुत दूर होता था, लेकिन अब दूर नहीं है संदेश भेजना, अब दूर नहीं है संदेश भेजना। तो संदेश राशक की रचयिता कौन हो जाएंगे? अब दूर नहीं है से अब्दुर रहमान। अब दूर नहीं है से अब्दुर रहमान। अब दूर नहीं है संदेश भेजना, तो अब्दुल रहमान इसके रचनाकार हैं, और इन्हें अद्दहमाण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अद्दहमाण। याद रख लेना, आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। महापुराण की रचयिता कौन है दोस्तों? महापुराण। अब एक चीज याद रख लेना, पुराण है तो ठीक है आप पढ़ लो, लेकिन महापुराण है तो उस पर जरा पुष्प उष्प अर्पित कर देना, पुष्प अर्पित करके ही उस महापुराण को पढ़ना है। तो महापुराण के रचयिता कौन होंगे? क्योंकि पुराण हो तो आप ऐसे पढ़ लो, महापुराण है तो उस पर पुष्प अर्पित करो फिर पढ़ो, तो महापुराण के रचयिता हो जाएंगे पुष्पदंत। यानी कि जो आपका एक नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पुष्पदंत आपका बिल्कुल सही है। अगला बताना दोस्तों, साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? साहित्य का इतिहास दर्शन। अब दोस्तों साहित्य का अगर इतिहास का दर्शन करना है तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? लोचन। यानी कि आपके पास आप जो दर्शन करोगे आप लोचन से करोगे, तो साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन होंगे? कौन होंगे? नलिन बिलोचन यानी कि लोचन शर्मा। तो आप लोचन से क्या करोगे? दर्शन करोगे साहित्य इतिहास का। तो सी नंबर आपका सा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बताना दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन माना जाता है? चार विकल्प हैं और दो सेकंड में आप अपना उत्तर बताएंगे। मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं कि हिंदी का जो खड़ी बोली का प्रथम कवि होगा वो खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर होगा कि गरीब होगा? अमीर होगा ना। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि गरीब नहीं होगा, वो अमीर होगा, है ना? तो कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर ही होगा, तो अमीर खुसरो। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। अब दोस्तों आपको बताना, ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है? चार विकल्प हैं, चार में से चयन करना है, और मैं आपको हिंट दे रहा हूं और दो सेकंड में आप उत्तर बताएंगे। और आपको ऐसा नहीं लग रहा दोस्तों कि ढोला मारूरा दोहा, तो ढोला से क्या लग रहा? ढोल। ढोला से क्या लग रहा? ढोल। और ढोल कौन बजाएगा? हम और आप बजाएंगे क्या ढोल? नहीं बजाएंगे ना। जो ढोल बजाने में कुशल होगा, जो ढोल बजाने में कुशल होगा वही ढोल बजाएगा, है ना? तो ढोला से ढोल और ढोला मारूरा दूहा के जो रचनाकार हो जाएंगे वो कुशल लाभ, क्योंकि जो कुशल होगा वही ढोल बजाएगा। यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कल्लोल कवि, अगर इस ऑप्शन में कुशल लाभ की जगह कल्लोल कवि होता तो कल्लोल कवि भी ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार है, मतलब उनकी भी रचना है और इनकी भी रचना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। अगला आपको बताना है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है दोस्तों? जल्दी से बताना है, दो सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, विद्यापति को, दामोदर को, या फिर लक्ष्मीधर को? तो दोस्तों एक चीज बताना जरा कि जिसमें विद्या होगी, विद्या होगी तो वो
कोकिल के जैसा बोलेगा, मीठा बोलेगा। आप बोलते ना किसी किसी की आवाज इतनी मीठी होती है कि सर इसकी आवाज तो बहुत मीठी है, बिल्कुल कोकिल जैसी है ना। तो जिसमें विद्या होगी वह मीठा बोलेगा कोकिल जैसा। तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाएगा? जिसमें विद्या होगी यानी कि विद्यापति। ठीक है, 12 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी रचना है दोस्तों, एक रचना है इनकी कीर्ति पताका, है ना, कौन सी है? पताका। और दूसरी है इनकी कीर्ति लता। ठीक है, और तीसरी है इनकी पदावली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये जो पदावली रचना है ये किस में है? मैथिली में है। कौन सी भाषा में है? ये मैथिली भाषा में है। ठीक है, और इनकी जो कीर्ति पताका और कीर्ति लता है ये अवहट्ट भाषा में है, तो इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, परमाल रासो के रचनाकार कौन है दोस्तों? परमाल रासो। अब परमाल रासो को दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आला खंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आला खंड। और आपने देखा होगा कि गांव-गांव में अगर आला हो रहा है तो व्यक्ति सोता है कि जगता है? जल्दी बताओ, जगता है ना। अगर आला हो रहा है तो व्यक्ति जगता है, तो आला खंड के रचयिता कौन होंगे? जगनिक। और ऐसे भी याद रखें जैसे परमाल यानी कि दूसरों का माल, दूसरों की जो सामग्री है उसको अगर चोर चुराते हैं तो क्या करते हैं? जगते हैं, रात में जगते हैं, तो भी जगनिक आपका आ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। परमाल को चुराना है तो जगना पड़ेगा, तो जगनिक है ना। इस प्रकार से अगला बताना है दोस्तों, संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? अभी हमने पढ़ा था कि संदेश राशक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। लेकिन ये किस प्रकार का काव्य है ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक चीज बताना दोस्तों, अब आप मोबाइल में क्या भेजते हो? कभी कभी संदेश भेजते हो, संदेश हमेशा भेजते हो, व्हाट्सअप चल गया अब तो, है ना, संदेश भेजते हो तो कभी कभी आपका संदेश क्या हो जाता है? खंडित हो जाता है। बोले ये तो गया ही नहीं यार, खंडित हो गया। खंडित हो गया ना, क्या खंडित हो गया? संदेश खंडित हो गया। तो ये संदेश राशक जो काव्य है ये कौन सा होगा? खंड काव्य। कौन सा होगा? खंड काव्य। तो याद रख लेंगे, संदेश खंड हो गया, खंडित हो गया तो खंड काव्य है ना, अब्दुल रहमान का ये जो है ग्रंथ माना जाता है। कि कामायनी की रचनाकार कौन है? अब आपको बताना है, 4 सेकंड आपको दिए जाते हैं, कामायनी की रचनाकार आपको बताना है। तब तक मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप किसी भी प्रकार की कामना करने कहां जाते हो? कहां जाते हो कामना करने? शंकर जी के पास जाते हो, बोलते हो भगवान मेरी कामना, मेरी मनोकामना क्या कर देना? पूर्ण कर देना, मुझे एग्जाम पास करवा देना। कामना करने जाते हो ना, तो कामना से होगा कामायनी, और कामना करने जाते हो शंकर जी के पास तो कामायनी जो महाकाव्य होगा वो किसका होगा? किसका होगा? जयशंकर प्रसाद, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, आपको पता है। ठीक है, याद रख लेना है ना। और दोस्तों ये जो कामायनी है ये इनका महाकाव्य है, और इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 15 सर्ग माने जाते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास किसकी रचना है? दोस्तों अभी तक आपने नाम सुना होगा तुलसीदास, है ना, कभी सुन लिया आपने कभी का नाम, लेकिन अब रचना का नाम भी तुलसीदास, क्या बात है। तो जल्दी से आपको बताना है ये रचना किसकी है। और आपको पता है दोस्तों कि जो तुलसीदास कवि हुए हैं वो क्या थे? हिंदी साहित्य में सूर्य के समान थे, क्योंकि इन्होंने ऐसा महाकाव्य दिया है जिसने पूरे हिंदी साहित्य को क्या कर दिया? भक्तिमय बना दिया है ना, भक्ति काल को तो स्वर्ण युग कहलवा ही दिया है। और जो तुलसीदास हैं वो क्या थे? सूर्य के समान थे। तो तुलसीदास रचना किसकी होगी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, निराला की होगी, यानी विकल्प नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। अगला बताना है दोस्तों, नीला चांद किसकी रचना है? नीला चांद किसकी रचना है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है कि शंकर जी जो होते हैं, शिव जी जो होते हैं, उनके सिर पर यहां पर देखो क्या है? चांद है, चांद। और चांद कैसा है? नीला चांद। किसके किसके मस्तिष्क पर है? शिव के। तो नीला चांद रचना किसकी होगी? किसकी होगी? शिव प्रसाद सिंह,
यानी कि जो आपका विकल्प नंबर आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कभी भी आपसे पूछा जाएगा आप कभी नहीं बोलेंगे नीला चांद किसकी रचना, आपसे पूछा जाएगा बोले नीला चांद तो शिव जी के मस्तिष्क पर यानी कि शिव प्रसाद से है। ठीक है, अगला बताना है राग दरबारी की रचनाकार कौन है। राग दरबारी, जी हाँ दोस्तों, राग दरबारी बताना है आप क्या बोलते हो कि दरबार में तो मेरा लाल बैठा है, दरबार में मेरा लाल बैठा है, तो राग दरबारी किसकी रचना होगी, श्री लाल की होगी कि रामचंद्र शुक्ल की होगी। आपने देख लिया ना कि दरबार में कौन बैठा है, लाल बैठा है, तो श्री लाल शुक्ल यानी कि जो आपका विकल्प नंबर एक है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एक नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रिय प्रवास की रचनाकार कौन है। आप अपना टेस्ट भी करते जाएं और ट्रिक से याद भी होता जाएगा। अब एक चीज बताना दोस्तों कि आपको सबसे प्रिय क्या है, क्या है प्रिय, अयोध्या। अयोध्या आपके लिए बहुत सबसे प्रिय है क्योंकि राम की जन्मभूमि है, अयोध्या आपके लिए प्रिय है। ठीक है कि नहीं है, कमेंट में बता देना, सभी को प्रिय है। तो प्रिय प्रवास किसकी होगी, अयोध्या से उपाध्याय हरियोध की। ठीक है, तो याद रख लेना प्रिय क्या है, अयोध्या। तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है ना, प्रिय प्रवास और अयोध्या से उपाध्याय हरियोध का है और हरियोध द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, कितनी नाव में कितनी बार की रचनाकार कौन है, कितनी नाव में कितनी बार। अब आपसे कहा जाए कि आप कितनी नाव में कितनी बार बैठे, तो बोले सर अज्ञे, पता नहीं मुझे बहुत बार बैठे, अज्ञे है, क्या है, अज्ञे है, अज्ञात है ना। तो कितनी नाव में कितनी बार, अज्ञे, कितनी नाव में कितनी बार, अज्ञे। तो विकल्प नंबर जो आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रयोगवाद के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं दोस्तों अज्ञे जी। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आपको अशोक के फूल किसकी रचना है। चार विकल्प हैं, अशोक के फूल बताना है और मैं आपको बता दूं कि 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन कर लेना। और जो अशोक के फूल है दोस्तों, चित्र में भी आप देख रहे हैं कि अशोक एक फूल फूलेगा कि हजार, अशोक में कितने फूल होंगे, एक फूल होगा कि हजार फूल होंगे। तो आपने सही बताया कि सर हजार फूल होंगे, तो अशोक के फूल रचना किसकी हो जाएगी, किसकी होगी, हजार फूल होंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि जो विकल्प नंबर आपका आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला बताना है दोस्तों जूही की कली रचनाकार कौन है, जूही की कली के रचनाकार। ये दोस्तों प्रथम छंद मुक्त रचना मानी जाती है। ठीक है, और जब जूही की कली है, जूही की कली है, तो ये कली कैसी होगी, निराली ही होगी, है ना, निराली ही कली होगी, छंद मुक्त रचना है और ये जूही की कली निराला जी की रचना, क्योंकि ये कली कैसी है, निराली, तो निराला जी की रचना है। आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये क्रांतिकारी कवि कहे जाते हैं दोस्तों, छायावाद के चार आधार स्तंभों में प्रमुख स्थान रखते हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास इनकी रचना हम पढ़ चुके हैं पहले। नदी के दीप रचना किसकी बताना है दोस्तों, हमने पढ़ा था पहले कि कितनी नाव में कितनी बार, आपने बताया सर अज्ञे, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि नदी में कितने दीप होते हैं, नदी में कितने दीप होंगे, तब भी आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता, अज्ञे, है ना, अज्ञे। तो नदी के दीप रचना किसकी होगी, अज्ञे। ठीक है, अज्ञे याद रखना, आ अज्ञे को सिर्फ अज्ञे से करना है, ज्ञात नहीं, है ना। एक आती इनकी रचना कोठरी की बात, कोठरी की बात, अज्ञे, तो नदी के दीप अज्ञे, यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है माटी की मूर्तें किसकी रचना है दोस्तों। माटी की मूर्तें आपने देखा होगा दोस्तों कि वृक्षों के नीचे माटी की मूर्तें रखी रहती हैं, उसकी हम पूजन करते हैं, रखी रहती कि नहीं, वृक्ष के नीचे माटी की मूर्तें रखी हैं, उसकी पूजन करते हैं। तो माटी की मूर्तें जो रचना है वो किसकी हो जाएगी, किसकी होगी, वृक्ष के नीचे रखी हैं, तो राम वृक्ष बैनीपुरी, यानी कि जो आपका आ नंबर है वो बिल्कुल सही होगा, आ नंबर। ठीक है, वृक्ष के नीचे माटी की मूर्तें रखी हैं, तो माटी की मूर्तें राम वृक्ष बैनीपुरी। निशा निमंत्रण की रचनाकार कौन है दोस्तों, निशा निमंत्रण बताना है। चार विकल्प हैं और चार का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताना। निशा मतलब आपकी होती है क्या, रात्रि, शाम के समय आप क्या करोगे,
क्या करोगे, बच्चों का निमंत्रण आपको करना है, बच्चन का निमंत्रण कर लो, बोले शाम के समय निशा के समय बच्चन का निमंत्रण कर लो, बच्चों का निमंत्रण कर लो, तो निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन होंगे, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, यानी कि जो एक नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आ नंबर नेक्स्ट बताना है दोस्तों, गुनाहों का देवता किसकी रचना है, गुनाहों का देवता यानी कि गुनाहों का देवता, इतने गुनाह किए कि वो क्या बन गया, गुनाहों का देवता बन गया। अब जब देवता बन गया दोस्तों तो वो काय की शरण में आएगा, काय की शरण में आएगा, जब आदमी बहुत सारे गुनाह कर लेता है तो फिर बोलता है यार कि अब तो धर्म की शरण में जाएं, धर्म की शरण में जाया जाए, तो गुनाहों का देवता की रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे, धर्मवीर भारती, यानी कि जो एक नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आ नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सखाराम बाइंडर, सखाराम बाइंडर की रचयिता कौन है, सखाराम बाइंडर, और चार विकल्प हैं, 2 सेकंड में आप अपना उत्तर बताएंगे। और दोस्तों आपको पता है कि जो तेंदुलकर साहब थे, सचिन तेंदुलकर साहब थे, जब तक वो खेलते थे क्रिकेट टीम में, अपने सारे सभी साथियों को बिल्कुल सखा की तरह रहते थे, कैसे रहते थे, सखा की तरह रखते थे, कौन, तेंदुलकर, तेंदुलकर रखते थे किसको, सभी टीम के खिलाड़ियों को सखा की तरह, तो सखाराम बाइंडर किसकी होगी, विजय तेंदुलकर, क्योंकि तेंदुलकर रखते थे सखा की तरह, है ना, इस प्रकार से याद कर लेंगे, आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आ नंबर, ठीक है। अगला बताना है दोस्तों, आपका बंटी की रचयिता कौन है, आपका बंटी, आपका बंटी कहाँ गया है, भंडारे में गया है, आपका बंटी कहाँ गया है, भंडारे में गया है, तो आपका बंटी की रचयिता कौन होंगे, कौन होंगे, मन्नू भंडारी, कौन होंगे, मन्नू भंडारी, आपका बंटी भंडारे में गया है, तो मन्नू भंडारी, यानी कि जो आपका आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मन्नू भंडारी, आपका बंटी, इनकी रचना है। संस्कृति के चार अध्याय की रचयिता कौन है, संस्कृति के चार अध्याय, दोस्तों एक चीज बताना, संस्कृति के चार अध्याय या फिर संस्कृत के चार अध्याय, और संस्कृत के चार अध्याय हमें रात में नहीं पढ़ना है, कब पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, संस्कृत के चार अध्याय दिन में पढ़ना है, तो ये रचना किसकी हो जाएगी, दिन से दिनकर, है ना, रामधारी से दिनकर, क्योंकि संस्कृति के चार अध्याय हमें दिन में पढ़ना है, तो दिनकर साहब, ठीक है। दोस्तों अगला बताना है, राग गोविंद की रचनाकार कौन है, एक रचना आती है दोस्तों गीत गोविंद, एक आती है राग गोविंद, तो याद रख लेना, गीत गोविंद के किसने गाए हैं, जयदेव ने, और सबसे ज्यादा राग किसी को था गोविंद से, कृष्ण थे, तो वो किसको था, मीराबाई को, किसको था, राग था किसको, मीराबाई को, ये यहाँ कंफ्यूज होते हैं सभी लोग, है ना, राग था मीराबाई को, है ना, और गीत गाए हैं किसने, जयदेव ने, तो जयदेव की कौन सी थी, गीत गोविंद, गीत गोविंद जयदेव की थी, और राग गोविंद जो रचना है वो मीराबाई की है, ठीक है, तो याद रख लेना, क्योंकि मीराबाई को राग था कृष्ण से सबसे ज्यादा, तो राग याद रख लेना, राग से मीराबाई, ठीक है। अगला बताना है दोस्तों, सेवा सदन की रचयिता कौन है, सेवा सदन, अब एक चीज बताना दोस्तों, आप जिससे ज्यादा प्रेम करते हो उसी की सेवा करोगे, है ना, कि नहीं करोगे, आप जिससे प्रेम करते हो सेवा भी उसी से करोगे, सेवा भी उसी की करोगे, चाहे आपके मम्मी से प्रेम करते हो, पापा से करते हो, समाज में जिससे भी आप करते हो उसकी आप सेवा जरूर करोगे, क्या करोगे, सेवा करोगे, ये सेवा सदन उपन्यास है, सेवा सदन, कर्म भूमि, गबन गोदान, है ना, निर्मला, ये सारी की सारी रचनाएं है ना किसकी हैं, प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं, इनको याद रखेंगे, प्रेमचंद जी आ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको बताना है, सबा सिर गेहूं कहानी किसकी है, सबा सिर गेहूं, दोस्तों अगर आप किसी से प्रेम से मांगोगे, प्रेम से मांगोगे कि सबा सिर गेहूं दे दो, तो आपको सबा सिर गेहूं मिल जाएंगे, लड़कर झगड़कर मांगोगे तो सबा सिर गेहूं नहीं मिलेंगे, इसलिए प्रेम से मांगना कि सबा सिर गेहूं दे दो तो मिल जाएंगे, तो सवा शेर गेहूं कैसे मांगना है, प्रेम से मांगना है, तो सवा शेर गेहूं कहानी किसकी होगी, प्रेमचंद, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेमचंद जी की हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास ये किसकी रचना है,
हमने पढ़ा था दोस्तों कि श्रीलाल शुक्ल की जो रचना थी वो कौन सी थी, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की थी। अब वैदेही वनवास तो किसको हुआ था, वनवास अयोध्या के राजा राम को क्या हुआ था, वनवास हुआ था। तो वैदेही वनवास किसकी रचना हो गया, वनवास तो आ रहा है सीधा सीधा है कि वनवास हुआ था अयोध्या के राजा राम को, तो वैदेही वनवास किसकी रचना होगी, अयोध्या से उपाध्याय हरिओत की। द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि हैं दोस्तों, प्रिय प्रवास इनका एक महाकाव्य है, वो भी खड़ी बोली का है और हिंदी का, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास हरिओत जी का। याद रखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी जी का, द्विवेदी युग का नाम पड़ा था, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। भीष्म साहिनी की एक रचना है दोस्तों तमस याद रख लेना, भीष्म साहिनी की एक रचना तमस है। सुमित्रा नंदन पंत इनकी अगर बात करें दोस्तों तो ये छायावाद के आधार स्तंभों में से एक माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। अगला बताना है चित्रलेखा किसकी रचना है, चित्रलेखा जल्दी से बताना है दोस्तों। जब आप पढ़ाई करते हो और आप पुस्तक लेते हो, आप रजिस्टर लेते हो, नोट्स बनाते हो, तो सबसे पहले पृष्ठ पर किसका चित्र होना चाहिए, भगवती का, किसका, भगवती का। बोले हमने चित्र का लेखा किया है पहले पृष्ठ पर, तो किसका होना चाहिए, भगवती का। तो चित्रलेखा रचना किसकी हो जाएगी, भगवती चरण वर्मा, क्योंकि चित्र होना चाहिए भगवती का, तो चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। और विकल्प नंबर जो आ है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें याद करना है दोस्तों, है ना। हमें रचनाएं याद नहीं होती, मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं सर रचनाएं याद नहीं होती हैं, अब कमेंट में बता देना कि सर आज तो रचनाएं याद हो गई हैं। इसी प्रकार से पूरी रचनाएं याद करवाएंगे। भविष्यत कहा कि रचनाकार कौन है, अब आपको उत्तर बताना है फटाक से, 4 सेकंड में आप उत्तर बताएंगे, कौन सा ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है, क्या है, धनपाल। अब यहां पर दोस्तों आया है धन और यहां आया है भविष्य, है ना। अब इसको कैसे याद रखोगे, मैंने आपको कई बार बताया है कि लोग क्या करते हैं, भविष्य के लिए धन का संचय करते हैं, भविष्य के लिए, आप भी भविष्य के लिए धन का संचय करते हैं, मैं भी भविष्य के लिए धन का संचय करता हूँ, यानी कि सभी भविष्य का धन से, भविष्य के लिए धन का संचय करते हैं। तो भविष्यत कहा रचना किसकी हो जाएगी, धन का संचय करते हैं तो धनपाल, है ना। अब कभी नहीं भूलोगे, आप, आपसे कभी भी पूछा जाएगा भविष्यत कहा किसकी रचना है, बोले मैं भविष्य के लिए धन का संचय करता, यानी कि धनपाल, ठीक है। अब याद रख लेना उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है, 4 विकल्प है, 4 सेकंड आपके पास है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही बताया है आपने बिल्कुल, दामोदर शर्मा, है ना। दामोदर शर्मा से आपका कैसे याद रखोगे दोस्तों, दामोदर से आपका बनेगा दमदार, क्या कहेंगे, दमदार। और दमदार लोगों के क्या चलते रहते हैं, प्रकरण चलते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की उक्ति व्यक्ति करते रहते हैं, तो इनके प्रकरण चलते ही रहते हैं, किनके, दमदार व्यक्तियों के। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसके चल रहे, बोले धर्म दमदार व्यक्ति के चल रहे हैं, तो दामोदर शर्मा यानी विकल्प नंबर जो 2 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, भूलना नहीं है। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है दोस्तों, पाहुड़ दोहा, अब पाहुड़ से आपको नहीं लग रहा कि पहाड़ की बात हो रही है, और पहाड़ की बात हो रही है तो दोस्तों पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं, वनों में, है ना। और वनवास किसे हुआ था, किसे हुआ था वनवास, राम जी को हुआ था, और ये पहाड़ों पर घूमते हुए जा रहे थे वन में, तो पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे, राम आएंगे तो राम सिंह, है ना, राम आएंगे, ये आ गए राम, तो राम सिंह पाहुड़ दोहा के रचनाकार हैं। अब आप कभी नहीं पूछ भूल सकते, बोले पाहुड़ दोहा जी, पाहुड़ की बात कर रहे हैं, तो पहाड़ पर तो राम जी गए थे, यानी कि राम सिंह, ठीक है, इस प्रकार से आएंगे। अगला बताना दोस्तों श्राप का चार के रचनाकार कौन है, श्राप का चार, 4 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करके कमेंट में लिख देंगे। और मैं आपको छोटी सी हिंट दे रहा हूं कि जब आप देव के पास जाते हैं, कोई भी देव के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो आप क्या बन के जाते हो, श्रावक बन के जाते हो, सेवक बन के जाते हो, कि भगवान मुझे भी सेवा का मौका दो, सेवक बन के जाते हो, श्रावक बन के जाते हो। तो श्राप का चार रचना किसकी होगी,
किसकी होगी? देवसेन की, क्योंकि देव के सामने हम श्रावक बन के जाते हैं और देवसेन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो श्राप का चार है ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है ना, 933 ईस्वी इसका रचना काल माना जाता है, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। और देवसेन की हमने याद कर ली, श्राप का चार, दामोदर शर्मा की उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सरहपा की दोहा कोश, सरहपा की दोहा कोश तो अधिकांश लोगों को पता ही होगा, है ना, नहीं तो आप बोलो कि सर दोहा सुनाओ, सर से सरहपा और दोहा सुनाओ तो दोहा कोश, है ना, और राम से की पाहड़ दोहा, ये तो आपको याद है। नेक्स्ट है वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है। दोस्तों मैंने आपको कई बार याद करवाया है कि वर्ण रत्नाकर यानी कि आपको वर्ण की बात हुई है तो वर्ण जो होते ना अपने अनार का आम का आपने पढ़े होंगे अपन हिंदी साहित्य वाले, है ना, तो वर्ण रत्नाकर यानी कि वर्ण, और वर्ण हमें कैसे पढ़ना है, ज्योति में पढ़ना है, ज्योति में, अंधेरे में नहीं पढ़ना वर्णों को, नहीं तो अनार को उल्लू का बोल दो, इसलिए वर्णों को ज्योति में पढ़ना है तो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन होंगे, ज्योति में पढ़ना है तो ज्योतिश्वर ठाकुर, ठीक है, वर्ण रत्नाकर के। अब आप कभी नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है, आप बोलोगे सर ज्योति में पढ़ना है, ज्योतिश्वर ठाकुर, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला बताना दोस्तों, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, अपभ्रंश शब्द का बताना है दोस्तों। अब एक चीज बताना दोस्तों कि जो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग करेगा उसको अपभ्रंश शब्द का पहले से पता होगा जब तो उसने प्रयोग किया। अब जिसको कोई चीज पता नहीं है वो कैसे प्रयोग करेगा, तो अपभ्रंश शब्द का पहले से पता था इसलिए प्रयोग किया, पता से आपका क्या बनेगा, पतंजलि, क्या बनेगा, पतंजलि। तो अपभ्रंश शब्द का पतंजलि को क्या था, पता था, तो इन्होंने क्या कर दिया, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया इन्होंने, यानी कि आपका जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अगला बताना दोस्तों, अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा है, अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा है आपको बताना है, चार सेकंड में आपको बताएंगे। अब दोस्तों एक बार अपभ्रंश ने सोचा कि यार मुझे कोई भी कुछ भी बोलता रहता है आभीरों की भाषा, कहीं ये भाषा, कहीं बिगड़ी हुई भाषा, अब जो बोलेगा तो क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, अगर कोई आभीरों की भाषा मुझे बोलेगा तो क्या मिलेगा, दंड, तो आभीरों की भाषा कौन बोलेगा, दंड से दंडी, है ना, कहा कि आभीरों की भाषा अगर बोला तो क्या मिलेगा, दंड, तो आभीरों की भाषा किसने बोला, दंडी ने, ठीक है, अपभ्रंश को दंडी, है ना, याद रख लेना, आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा माना, देश भाषा किसने माना, चार विकल्प में से चयन करना है दोस्तों, और मैं आपको बता देता हूं कि जो देश का बेटा होगा, देश का सन होगा, उसे ही देश का माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, कि जो विदेश का आ रहा उसे देश का मान लिया जाए, जो देश में पैदा हुआ होगा, जो देश का सन होगा, जो देश का बेटा होगा, उसे ही देश का कहेंगे। तो अपभ्रंश को देश भाषा जो कहा है, इन्होंने सोचा कि यार ये तो हमारे ही सन है, है ना, यहीं उत्पन्न हुआ है, तो सन मतलब ग्रियर्सन, है ना, ग्रियर्सन, इन्होंने देश भाषा कहा है कि अपभ्रंश की जन्म यहीं हुआ है, कहाँ हुआ है, यहीं हुआ है, इसलिए क्या है, देश भाषा है ये, यहीं की क्या है, सन है, सन, ठीक है, तो ग्रियर्सन, ग्रियर्सन साहब के बारे में आपको पता है कि इनका एक ग्रंथ है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के निर्देशन में प्रकाशित हुआ था, है ना, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर। और दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो है, जो ग्रियर्सन साहब हैं, सर्वप्रथम जो काल विभाजन का प्रयोग किया, प्रयास किया, किसने किया, तो ग्रियर्सन साहब ने किया है सर्वप्रथम, ठीक है, तो याद रख लेना सभी लोग ग्रियर्सन के बारे में, और अपभ्रंश को सबसे पहले देशभाषा कहने वाले हैं तो वो कौन है, ग्रियर्सन साहब, ठीक है। अगला बताना दोस्तों, अवधि का एक अन्य नाम क्या है, अवधि, तो दोस्तों आप लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते हो और उनमें आपको अवधि मिलती है, क्या मिलती है, अवधि, और घर वाले आपसे बोलते हैं कौन सी अवधि मिली, कौन सी अवधि मिली, या अवधि कौन सी ली, अवधि कौन सी ली, तो अवधि का अन्य नाम क्या होगा, कौन सी ली, मतलब कौसली, अवधि कौन सी ली, बोले कौसली, ठीक है, अवधि का जो अन्य नाम होगा वो क्या होगा, कौसली,
अब याद रख लेना अवधि कौन सी ली, है ना, इस प्रकार से। तो कौन सी ली आपको याद रखना है, ठीक है। अगला आपको बताना दोस्तों, अवधि ग्रंथ अवध विलास किसकी रचना है। अवध विलास, आप लोगों ने वो एक गीत सुना होगा दोस्तों, एक गीत है बुंदेलखंड का कि बना की अवधपुरी ससुराल बरात को जहरे, एक आपने गीत सुना होगा। अवध से क्या हो जाएगा, अवध का लाल, अवध का लाल। तो अवधि ग्रंथ है अवध विलास, और अवध विलास के जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे, लाल दास, क्योंकि अवध का लाल है ना। तो याद रखना अवधि ग्रंथ है अवध विलास, और अवध विलास के रचनाकार हैं लाल दास। सभी को याद रखें, कभी भूलना नहीं, अगर भूल गए तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना। राम काव्य परंपरा की सर्व प्रमुख भाषा है तो कौन सी है। दोस्तों आपको पता है कि राम को भी क्या मिली थी, अवधि मिली थी, बोले आप 14 वर्ष के वनवास को जाओगे, है ना, और इनको अवधि मिल गई 14 वर्ष की। तो अवधि मिली तो राम काव्य परंपरा की जो सर्व प्रमुख भाषा होगी वो कौन सी होगी, कौन सी होगी, अवधि, ठीक है। याद रख लेना राम काव्य परंपरा की सबसे जो प्रमुख भाषा है वो कौन सी है, अवधि है। और आपको पता है कि राम काव्य धारा के जो श्रेष्ठ कवि हैं वो कौन है, तुलसीदास जी, ठीक है। और तुलसीदास ने दोस्तों सबसे पहले अवधि भाषा का प्रयोग किया, और आपकी जो रामचरितमानस है महाकाव्य है, ठीक है, श्रेष्ठ महाकाव्य है रामचरितमानस। और दुनिया में अगर सर्वाधिक जो टीकाएं लिखी गई तो वो रामचरितमानस की लिखी गई, और रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधि भाषा है, ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। और बाद में तुलसीदास ने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, है ना, इन रचनाओं में क्या किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन राम काव्य परंपरा की जो सर्व प्रमुख भाषा है वो अवधि ही है, जिनका जो जीता जागता उदाहरण रामचरितमानस है, ठीक है। ब्रज भाषा का उदय माना जाता है तो कब से माना जाता है दोस्तों, अब आप लोग कहते हैं कि हमें ब्रज जाना है, कन्हैया की जन्मभूमि जाना है, कन्हैया जी के दर्शन करने जाने हैं, इस प्रकार से बोलते ना, है ना। तो ब्रज अगर जाना है आपको तो अब भूल जाना कि 2-5 रुपए में पहुंच जाओगे, अब सीधे 1000 लगेंगे आपको। कितने लगेंगे, 1000 लगेंगे। तो ब्रज भाषा का उदय कब होगा, कब होगा, 1000 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा का उदय माना जाता है। यानी कि आपका जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पश्चिमी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। ये दोस्तों हम आपको आज पूरी अच्छे से बता रहे हैं, है ना। पश्चिमी हिंदी आपको पता है, पश्चिमी से क्या होगा, पश्चिमी हिंदी का विकास बनाना है पश्चिमी से। यहाँ पर देखो ये भारत का नक्शा दिया है, ये आपका पूर्वी क्षेत्र है और ये पश्चिमी क्षेत्र है, और पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा आता है, गुजरात, और गुजरात में आपको पता है शेर बहुत हैं, पश्चिमी राज्य गुजरात, और गुजरात में शेर बहुत हैं। तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास माना जाएगा वो कैसे माना जाएगा, शेर से सौर सैनी, है ना, सौर सैनी अपभ्रंश से कौन सी निकली, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, याद रख लेना है, है ना, सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी आई। और मागधी से कौन सी आई, मागधी से आई दोस्तों आपकी कौन सी, बिहारी का बंगला ओड़ा असमिया में, इसका एक कोड है वो आपको याद रखना है, बिहारी का बंगला ओड़ा असमिया में, बंगला ओड़ा असमिया, ठीक है, ये याद है आपको और होगा। तो बिहारी से बिहारी हिंदी, ठीक है, और बंगला ओड़ा से उड़िया और असमिया, है ना, ये जो है ये कैसे आई, मागधी से आई, है ना। तो याद रख लेना है, मगध में बिहारी का बंगला ओड़ा असमिया, मगध से बन जाएगा आपका मागधी, है ना, और बिहारी हिंदी, बंगला, उड़िया और असमिया, ये सभी कौन से निकली हैं, मागधी से, है ना, और पश्चिमी हिंदी से स्वर सैनी से पश्चिमी हिंदी, ठीक है, याद रख लेना। अर्धमागधी से कौन सी निकली, पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, ठीक है। ब्राचड़ से कौन सी निकली, सिंधी निकली। तो ये तो हो गई आपकी इनसे निकलने वाली भाषाएं। फिर दोस्तों आपको पश्चिमी हिंदी से भी पढ़ना है, पश्चिमी हिंदी से जो निकली आपकी निकली कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी की बात करें तो आपकी निकली दोस्तों गुजराती, कौन सी निकली, गुजराती, राजस्थानी,
है ना, सॉरी राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी, ठीक है, ये निकली आपकी काय से, सौर सैनी से। तो आपको याद रख लेना है, सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी से जो निकलने वाली थी उनका भी मैंने आपको कोड बनाया था, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, कानों से आपकी कन्नौजी, खड़ी से खड़ी बोली है ना, बुंदेली से बुंदेली, ब्रज से ब्रज, हरी से हरियाणवी है ना। और इस प्रकार से आपको याद रख लेना, ये पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हैं है ना, गुजराती और राजस्थानी आपकी ये अलग हैं। राजस्थान की भी है आपकी मेवाती है ना, जयपुरी, इस प्रकार से आपको राजस्थानी की भी हैं। फिर आपकी पूर्वी हिंदी आती है दोस्तों, तो पूर्वी हिंदी की आपकी कौन कौन सी हैं, मैंने कोड बनाया था अब छत्तीसगढ़ी, आ से अवधि, बा से बघेली और छत्तीसगढ़ी से छत्तीसगढ़ी है ना। तो अब छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की हैं, पश्चिमी हिंदी की कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, ठीक है, तो इसका कोड हो जाएगा। और मगध में बिहारी का बंगला उड़ा, असमिया में ये मागधी का हो जाएगा, वो ब्राचड़ से सिंधी निकली है, ठीक है। इसको हम आपको जब व्यवस्थित पढ़ाएंगे एक बार हिंदी की कौन सी क्या निकली है, कौन सी कब से, क्योंकि एक दो प्रश्न यहाँ से आपके बन जाते हैं, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना राधा माधव बिलास की रचनाकार कौन है, राधा माधव बिलास की रचनाकार। अब दोस्तों आपको नहीं लग रहा कि राधा और माधव, और माधव को क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण, तो राधा कृष्ण बोल दो सीधे सीधे, तो राधा माधव इनकी हम क्या करते हैं, जय करते हैं, जय राधा माधव की जय। तो राधा माधव बिलास किसकी रचनाकार कौन होंगे, जय की है तो जयराम, जय की है तो जयराम, राधा माधव बिलास की रचनाकार जयराम, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्नेह लीला की रचनाकार कौन है। अब स्नेह लीला की बात आई है तो आपको पता है कि सृष्टि की रचयिता कौन है, विष्णु, सृष्टि की रचयिता विष्णु, और विष्णु जी अपनी जो सृष्टि है, सृष्टि के एक एक जीव से स्नेह करते हैं, सभी से स्नेह करते हैं, कौन, विष्णु जी। तो स्नेह लीला के रचनाकार कौन होंगे, विष्णुदास, ठीक है, स्नेह लीला के रचनाकार विष्णुदास, यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताना दोस्तों, रानी केतकी की कहानी की रचनाकार कौन है, बहुत ही बढ़िया है, उदय भानचरित इसे कहा जाता है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है उदय भानचरित, रानी केतकी की कहानी है ना। और दोस्तों आपको पता है कि रानी केतकी की कहानी इंसान ही नहीं अल्लाह ने भी सुनी, रानी केतकी की कहानी इंसान ही नहीं अल्लाह ने भी सुनी, तो इसकी रचनाकार कौन होंगे, इंसा अल्लाह खां है ना, इंसा अल्लाह खां, याद रख लेना, रानी केतकी की कहानी इंसान ही नहीं अल्लाह ने भी सुनी, तो इंसा अल्लाह खां। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के रचनाकार कौन है, दूसरा इतिहास के रचनाकार बताना है दोस्तों, और चार सेकंड में आप अपना उत्तर का चयन करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जो साहित्यकार हैं वो कहते हैं कि भगवान एक ही साहित्य लिखने में तो पसीना आ गया, आप दूसरे साहित्य की बात कर रहे हो, बच्चों का काम थोड़ी है, बच्चों का काम थोड़ी है दूसरा साहित्य लिखना, तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कौन लिखेंगे, उत्तर आपको ही बताना है, कौन लिखेंगे, डॉक्टर बच्चन से, याद रख लेना है ना। साहित्यकारों ने कहा कि एक इतिहास लिखने में पसीना आ गया, दूसरा इतिहास की बात कर रहे हो, बच्चों का काम है क्या, तो डॉक्टर बच्चन से दूसरा इतिहास, ठीक है, अब याद हो गया होगा दोस्तों। एक और पूछा जाता है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो आधा इतिहास ये सुमन राजे का है, किसका है, सुमन राजे का। और आपने देखा होगा दोस्तों कि जो सुमन मतलब होता है क्या, फूल, और फूल किसी को आधा नहीं दिया जाता, नहीं तो कहा कि फूल लिया है, आधा इसको दे दो और आधा उसको दे दो, ऐसा होता कहीं नहीं होता, तो सुमन राजे का क्या है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, और आधा नहीं दिया जाता कभी सुमन, है ना, फूल, तो याद रख लेना। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो हिंदी साहित्य का आदिकाल भी है, हिंदी साहित्य की है ना भूमिका भी है, हिंदी साहित्य की भूमिका याद रखेंगे सभी लोग, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, है ना, रामचंद्र शुक्ल जी का तो है ही हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये सारे सारे इतिहास ग्रंथ हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कीर्ति लता के रचनाकार कौन है, और दोस्तों चार सेकंड में आप अपना उत्तर तो चयन करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि कीर्ति कब फैलती है, कोई व्यक्ति मूर्ख है और कोई विद्यावान है तो किसकी कीर्ति फैलेगी, विद्यावान की फैलेगी ना, जिसमें विद्या है उसी की कीर्ति फैलेगी, तो कीर्ति लता के रचनाकार कौन होंगे, विद्यापति है।
है ना। और दोस्तों इस कीर्ति में इन्होंने क्या किया था, राजा कीर्ति सिंह की यशोगाथा का वर्णन किया था, है ना। और विद्यापति की ये तीन रचनाएं प्रमुख मानी जाती हैं दोस्तों। इनकी एक रचना है पदावली, पदावली जो है इनकी मैथिली में रचना है। ये पूछी जाती है विद्यापति की कौन सी रचना मैथिली में है, तो इनकी जो पदावली है ये मैथिली में है। और इनकी कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये दो रचनाएं अभट्ट में है, ठीक है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका अभट्ट भाषा में है, तो इनको आपको याद रखना है। और चंद्रबरदाई के बारे में तो पता है आपको कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, है ना, याद रख लेना है। और राउल बेल एक रचना है चंपू काव्य, उसकी रचनाकार रोड़ा कवि हैं, है ना। ढोला मारूरा दुहा जिसकी रचनाकार कुशल लाभ हैं, है ना। और इनकी रचना हमें पढ़ना है पदलता पताका, पदलता पताका, पदावली कीर्ति लता कीर्ति पताका, ठीक है, इस प्रकार से। अगला बताना है दोस्तों अभिमान मेरु किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको पता है कोई कोई आदमी के पास जब धन बहुत हो जाता है, कोई अच्छी संपत्ति हो जाए, उन्हें अभिमान हो जाता है, यार अभिमान हो गया, अहंकार हो गया, है ना। ऐसे ही पुष्प ने कहा कि मुझे तो देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाता है, मेरी तो माला बनाई जाती है, तो पुष्प को क्या हो गया, अभिमान हो गया, पुष्प को अभिमान हो गया। तो अभिमान मेरु किसे कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा, पुष्प दंत को। पुष्प दंत ने दोस्तों अपने आप को अभिमान मेरु कहा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, निम्न में से बताइए कौन सा कवि अपने आप को, कौन से कवि ने अपने आप को अभिमान मेरु की उपाधि दी थी, तो पुष्प दंत, है ना। इनका एक आपने पढ़ा होगा महापुराण, महापुराण ग्रंथ है पुष्पदंत जी का, बहुत ही श्रेष्ठ है पुष्पदंत जी का महापुराण, है ना। तो इन्होंने अभिमान मेरु कहा था, ऐसे ही पुष्प को भी अभिमान हो गया, इस प्रकार से याद रख लेंगे, है ना। तो आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। कुमारपाल प्रतिबोध की रचनाकार कौन है, कुमारपाल प्रतिबोध। अब चार विकल्प हैं, दो सेकंड आपके पास हैं, और आपको पता है दोस्तों कुमार आ रहा है यहाँ पर, कुमार, तो आजकल के जो कुमारे लड़का रहते, कुमेर कुमारे लड़का, है ना, आजकल के जो कुमार हैं वो सोमरस का प्रयोग बहुत कर रहे हैं। काय का प्रयोग कर रहे हैं, सोमरस, सोमरस आप लोग समझते होंगे, और सोमरस का प्रयोग कर रहे हैं, तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन होंगे, कौन होंगे, सोमप्रभ सूरी, है ना। क्योंकि कुमार लोग सोमरस का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार सोमप्रभ सूरी, यानी विकल्प नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कि स्त्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, जी हाँ दोस्तों, दो सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करें। जब तक मैं आपको बता देता हूं कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे, बल्लवाचार्य, है ना। सरहपा की एक रचना है दोहा कोश, ठीक है ना, सभी को पता है दोहा कोश है सरहपा की रचना। और आपका उत्तर हो जाता है स्त्री संप्रदाय की क्या हो जाता है, रामानुजाचार, है ना, रामानुजाचार। और दोस्तों आपको पता होगा कि देश के कोने कोने में हम क्या बोलते हैं, श्री, फिर क्या लगाते हैं, राम, क्या करते हैं, श्री राम। तो श्री संप्रदाय के साथ हमने राम जोड़ दिया, तो श्री संप्रदाय के कौन होंगे, रामानुजाचार, श्री राम, है ना, तो रामानुजाचार, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार, ठीक है। विशिष्ट अद्वैतवाद के रामानुजाचार, ठीक है। वैष्णव आचार्य थे, इन्होंने वैष्णव धर्म का क्या किया, प्रचार प्रसार किया, रामानुजाचार ने, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। दोस्तों आपको बताना है प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है, प्रबंध चिंतामणि। तो दो सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे, और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, मेरुतुंग, मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है, मेरुतुंग हैं। और दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के मेरु यानी पर्वत हैं, है ना, पर्वत शिखर है ना, हमने विभिन्न प्रकार के, तो हमें क्या करना है, पर्वत शिखरों का, मेरुओं का, मेरु का क्या करना है, प्रबंध करना है, मेरु का प्रबंध करना है, तो मेरु की हमें चिंता करनी पड़ेगी। जैसे हमारे लद्दाख का पठार है, लद्दाख के पठार में मेरु हैं, और उनकी हमें चिंता करनी पड़ेगी, नहीं तो छीन लेंगे लोग, है ना। तो इसलिए मेरु की चिंता करना है हमें, और उनका प्रबंध करना है, तो प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन होंगे, मेरुतुंग, ठीक है, याद रखेंगे। आ नंबर आपका बिल्कुल सही है। रोड़ा कवि की एक रचना है कौन सी, राउल बेल, राउल बेल है दोस्तों, शिलांकित कृति मानी जाती है, शिलांकित कृति, ठीक है, तो इसको याद रख लेना है, राउल बेल की, रोड़ा कवि की राउल बेल शिलांकित कृति मानी जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला जो अपना प्रश्न है वो क्या है उसको देखते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में
सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा है। 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे। और आपको पता है कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी का महाकाव्य है, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं, ठीक है। इसमें जो सर्ग है, सर्ग को क्या कहा जाता है, समय कहा जाता है, ये चीज़ आपको पता है। आदिकाल में अगर पूछा जाता है कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। अब पृथ्वीराज रासो के जो है प्रमाणिक होने पर संदिग्ध है, विभिन्न लोगों ने, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। यहाँ पर पूछा है कि सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसकी ऐतिहासिकता। और आपको पता है दोस्तों कि पृथ्वी की ऐतिहासिकता पर भी विवाद है। कोई कहता है कि इस पृथ्वी के सृष्टिकर्ता विष्णु जी हैं, कोई कहता है, विज्ञान कहता है कि बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी एक क्या थी, आग का गोला थी, पिंड थी, उसके फटने से विभिन्न ग्रह बने, पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी की ऐतिहासिकता पर क्या है, विवाद है। तो पृथ्वीराज रासो की भी ऐतिहासिकता पर क्या होगा, विवाद होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर क्या है, विवादास्पद है, सर्वाधिक विवादास्पद ऐतिहासिकता है। अगला क्वेश्चन बताना दोस्तों, बीसल देव रासो का काव्य रूप क्या है। सबसे पहले तो ये बात होनी, पता होनी चाहिए कि जो बीसल देव रासो काव्य है वो किसका है, नरपति नाल का है। किसका है, नरपति नाल का है, ठीक है। अब इसके काव्य रूप क्या है, 2 सेकंड में आपको बताना है दोस्तों। तो आपको पता है ना दोस्तों कि यहां पर क्या आ रहा है, देव और बीस, तो बीस देव, आपने पता होगा हम बीसों देव के गीत गाते हैं, बीसों देव, बोले हनुमान जी की भी पूजा कर लो, राम की भी कर लो, श्री कृष्ण की कर लो, है ना, मस्जिद में भी चले जाओ, बीसों देवों की हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, करते कि नहीं करते, तो पूजा करते हैं और गीत गाते हैं, गीत गाते हैं। तो बीसल देव रासो का जो काव्य रूप होगा वो क्या होगा, गीती काव्य, गीती काव्य है, ठीक है। और बीसल देव रासो के रचयिता कौन है, नरपति नाल, ठीक है। और बीसल देव रासो जो है दोस्तों आपको पता है ये अजमेर के शासक के संबंधित है, ठीक है। अजमेर के शासक थे विग्रहराज, विग्रहराज इसके नायक हैं, ये भी याद रख लेना है। बीसल देवराज के नायक कौन है अगर पूछा जाए तो विग्रहराज हैं, और ये श्रृंगारिक रचना मानी जाती है बीसल देवरासो, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला देखो, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है, अपभ्रंश का भवभूति बताना है। और दोस्तों आपने पता होगा यहाँ पर क्या आ रहा, भवभूति, भवभूति से नहीं लग रहा आपको कि भभूति, भभूति क्या करते हैं पंडा लोग, क्या करते हैं अपनी भभूति अभूति लगाई मुँह में, है ना, सब जगह टीका ईका लगाया, भभूति लगाया और भगवान के पास पहुंच गए और पुष्प चढ़ाने, क्या चढ़ाने, पुष्प चढ़ाने। तो अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाएगा, भभूति से भभूति लगा लो आप, तो किसे कहा जाएगा, पुष्प दंत को, क्योंकि हम भभूति अभूति लगाकर कहाँ पहुंचे, पुष्प चढ़ाने पहुंचे। तो पुष्प दंत, पुष्प दंत जी आपको पता होगा दोस्तों ये अपने आप को क्या मानते थे, अभिमान मेरु मानते थे, इन्होंने अपने आप को अभिमान मेरु की उपाधि दी थी। इनका एक ग्रंथ है महापुराण, है ना, पुष्पदंत जी का, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, स्वयंभू, ये अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं, है ना। और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो वो माना है किसने, राम कुमार वर्मा ने, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है, राम कुमार वर्मा। और सरहपा के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि सरहपा की जो रचना है ये कौन सी है, दोहा कोश है, है ना। सरहपा मैंने आपको कई बार बताया है कि आप कभी बोलोगे कि सर दोहा सुनाओ, सर दोहा सुनाओ, तो मैं वही वाला सुना दूंगा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ भय पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित, वही वाला दोहा आता मुझे तो, है ना। तो सर दोहा सुनाओ, तो दोहा कोश सरहपा, सर से, है ना। और राम सिंह की कौन सी है, पाहोड़ दोहा, पाहोड़ दोहा, ठीक है, तो याद रखना है। अगला बताना, ध्यान मंजरी की रचयिता कौन है दोस्तों, ध्यान मंजरी की रचयिता बताना है, अग्रदास हैं, नाभादास हैं, कुंभन दास हैं, या फिर सूरदास हैं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं बोल रहा हूं कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका ध्यान अग्र कहीं नहीं जाना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पर जाना चाहिए, वीडियो पर जाना चाहिए, अग्र आपको आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो ध्यान मंजरी के रचयिता कौन होंगे, क्योंकि ध्यान कहाँ नहीं जाना चाहिए, अग्र, तो अग्रदास, ठीक है। नाभादास के गुरु कभी कभी पूछा जाता है तो अग्रदास,
ठीक है। कुंभन दास के गुरु पूछे जाते हैं तो बल्लवाचार्य, सूरदास जी के गुरु पूछे जाते हैं तो बल्लवाचार्य, इनको याद रखेंगे। नाभादास के गुरु अग्रदास, नाभादास की एक रचना है कौन सी, भक्तमाल, कौन सी है, भक्तमाल, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं हनुमान नाटक के रचयिता कौन है। दोस्तों मैंने एक चित्र आपको दिया है, हनुमान जी के दर्शन करें और फिर हनुमान नाटक के रचयिता बताएं कौन हो सकते हैं। मैंने ये चित्र क्यों दिया है, इसलिए दिया है कि हनुमान जी अपना सीना हृदय फाड़ कर दिखा रहे हैं, हृदय फाड़ कर दिखा रहे हैं और बोले कि मेरे हृदय में देख लो सीता और राम विराजमान रहते हैं, मेरे हृदय को फाड़ कर देख लो सीता और राम विराजमान रहते हैं। तो हनुमान नाटक के रचयिता कौन होंगे, हृदय राम, क्योंकि हनुमान के हृदय में कौन होते हैं, राम होते हैं, हृदय राम। तो आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कभी भी आपसे पूछा जाएगा हनुमान नाटक रचयिता कौन है, तो हनुमान की बात आई है, बोले हृदय राम, हनुमान तो हृदय में राम को रखते हैं, ठीक है। तो आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताना है दोस्तों बरबे रामायण की रचयिता कौन है, बरबे रामायण, चार विकल्प हैं, चार में से चयन करना, दो सेकंड आपको दिए जाते हैं। और एक चीज बताना दोस्तों कि जब तुलसीदास ने रामायण लिखी, तुलसीदास ने रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखी, तो एक चीज बताना कि रामायण पर आधारित इन्होंने रामचरितमानस लिखी, लेकिन इन्होंने बार बार नहीं पढ़ी होगी क्या इसको। हम कोई भी चीज़ पांच लाइन लिख देते हैं, पांच लाइन अगर कोई अच्छी सी पंक्तियां लिख दी, कविता लिख दी, तो हम बार बार पढ़ते रहते उसी को। तो तुलसीदास ने इतना बड़ा महाकाव्य लिखा, ये बार बार नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना बार बार, तो बार बार पढ़ी तो बरबे रामायण, बरबे से बार बार, बरबे रामायण के रचयिता कौन होंगे, बोले तुलसीदास होंगे, क्योंकि इन्होंने काय की रामचरितमानस की रचयिता इन्होंने रचना की, रामायण की रचना की है ना, तो इन्होंने बार बार पढ़ी, इसलिए बरबे रामायण याद रखना। तुलसीदास जी राम काव्य धारा की पता है आपको, श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, है ना, जानकी मंगल है ना, बरबे रामायण और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, रामचरितमानस, ठीक है, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, ये सारी की सारी रचनाएं याद करना है तुलसीदास जी की। ट्रिक से मैं आपको याद करवाएंगे एक बात है ना। अग्रदास की हमने पढ़ी थी कौन सी, ध्यान मंजरी पढ़ ली थी, और अग्रदास जो गुरु हैं अग्रदास वो किसके हैं, नाभादास के हैं, ठीक है। प्राणचंद्र चौहान की आपको पता है दोस्तों, प्राणचंद्र चौहान की भी इनकी रचना है, कौन सी है याद नहीं आ रही है मुझे, बहुत अच्छी है, पूछी जाती है, रामायण महानाटक, कौन सी है, रामायण महानाटक। हम बोल देते ना कि रामायण हमारे क्या हैं, प्राण हैं, रामायण हमारी प्राण है, तो रामायण महानाटक के रचयिता कौन होंगे, प्राणचंद्र चौहान। और पुष्पदंत के बारे में तो आपको पता दिया है दोस्तों कि इन्हें भवभूति, भवभूति कहा जाता है, अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को है ना, महापुराण इनका एक काव्य है, रचना है महापुराण, ठीक है। और पुष्पदंत जो है बहुत ही इन्होंने अपने आप को क्या कहा था, अभिमान मेरु कहा था, तो ये चीज़ भी आपको याद करनी है। और बरबे बार बार रामायण किसने पढ़ी थी, तुलसीदास ने, तो बरबे रामायण के तुलसीदास हो जाएंगे, ठीक है। हंस जवाहर की रचयिता बचाना है दोस्तों, हंस जवाहर, यहाँ पर जवाहर हीरा जवाहरात रखे हैं यहाँ पर, और आप कहीं गए हो काम करने और यहाँ से आपके जो हंस जवाहर क्या हो गए, गोल हो गए, जवाहर गोल हो गए। आपने पूछा कि जवाहर कहाँ गए, तो बोले हंस जवाहर खा गया, हंस जवाहर खा गया, क्यों खा गया हमें विश्वास नहीं है, बोले कसम से, कसम से हंस जवाहर खाएगा, तो कसम से तो कासिम शाह है, हंस क्या खा गया, जवाहर खा गया, तो कासिम शाह की हंस जवाहर है ना, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी है ना, शेख नबी की ज्ञानदीप, उस्मान की चित्रावली, आपको रचनाएं याद करना है, ठीक है, याद करवा देंगे। सीतायन की रचनाकार कौन है दोस्तों, सीतायन, अब यहाँ पर आया है सीता, और दो सेकंड आपको बताना है, और ये भी बता देना है कि सीता जी किसकी प्रिया थी, किसकी थी, राम की प्रिया थी और उनकी शरण में रहती थी, बोले हमें आपकी शरण मिल जाए इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। तो सीतायन किसकी रचना होगी, राम प्रिया, राम की प्रिया कौन थी, सीतायन है ना, सीता जी थी, इसलिए सीतायन राम प्रिया शरणदास, राम प्रिया शरणदास की रचना है सीतायन, कभी नहीं भूलोगे अब आप है ना, इस प्रकार से याद करना है ना। तो बताना है दोस्तों भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने कहा है, ईसाइत आप समझते हो, ईस, ईस बोल दो आप, तो इसको ईस बोल दो, ईस की देन,
इस मतलब ईश्वर की देन है वो तो भक्ति। तो आप लोग बोलते हैं, आपने कई लोगों के मुंह से सुनी होगी कि हम तो ईश्वर के क्या हैं, संतान हैं, हम तो ईश्वर के सन हैं, हम तो ईश्वर के पुत्र हैं, है ना। तो आपको जो भक्ति मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, ईश्वर से ही मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। जब आप ईश्वर के सन हो तो भक्ति भी आपको ईश्वर से ही मिलेगी। तो भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना है? इसने ही देन, इसने ही दिया है। तो कौन मानेंगे? उनके सन मानेंगे, है ना, किसके? ईश्वर के सन। ईश्वर के सन ने भक्ति आंदोलन को इसकी देन मानी है, ठीक है। तो सन यानी ग्रियर्सन याद रख लेना है सभी लोग। और आपको पता है कि जनता की चित्तवृत्तियों की निराशा की भावना से रामचंद्र शुक्ल ने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना कि ये तो स्वाभाविक होना ही था, है ना। और मुस्लिम आक्रमण भी ना हुए होते, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि मुस्लिम आक्रमण के कारण जनता की चित्तवृत्ति से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका स्वाभाविक माना है कि ये तो स्वाभाविक रूप से इसका उदय होना ही था। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला बताना दोस्तों, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? स्वर्ण काल, स्वर्ण काल, यहाँ पर स्वर्ण काल और स्वर्ण युग आपको देखना है दोस्तों, ठीक है। स्वर्ण काल किसने कहा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काल की बात जब आती है काल की, तो आपको याद रख लेना है कि ग्रियर्सन, है ना, गैरों का स्वर्ण हमें कैसा लगता है? काल की तरह लगता है। गैरों का स्वर्ण हमें काल की तरह लगता है और खुद का स्वर्ण हमें सुंदर लगता है, है ना। खुद का स्वर्ण हमें स्वर्ण युग लगने लगता है, सुंदर लगने लगता है, लेकिन गैरों का स्वर्ण हमें काल की तरह लगता है। तो याद रखना है इधर से दोस्तों, स्वर्ण काल कहा ग्रियर्सन ने, और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि स्वर्ण युग किसने कहा, तो स्वर्ण युग किसने कहा? स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा, क्योंकि जो स्वर्ण युग है वो सुंदर होगा, काल काल होगा जो, तो काल की तरह देखेंगे गैरों के स्वर्ण को, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण कहा, क्या कहा? लोक जागरण, इसको भी आपको याद रखना है। और दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो इन्होंने भक्ति काल कहा, ठीक है। ये चीज आपसे कभी पूछी जाती है याद रखना, स्वर्ण काल ग्रियर्सन ने, स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने, है ना, लोक जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और भक्ति काल रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। और कभी आपसे पूछा जाए स्वर्ण युग किसने कहा और ऑप्शन में श्याम सुंदर ना हो, तो ग्रियर्सन लगा देना, ठीक है, याद रखना। अगला बताना दोस्तों, आलबार शब्द का अर्थ क्या होता है? आपको पता है कि आलबार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई? 12। हमने कैसे याद किया था? यहाँ पर दिया है 12, यहाँ पर क्या दिया? बार, तो बार से वारा। आलबार भक्तों की संख्या कितनी है? 12, ठीक है। अब आलबार शब्द का अर्थ बताना है दोस्तों क्या होता है। आप लोग के लिए मैं एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ कि आप जितनी बार भी आलबार ट्रिकी वीडियो देखते हो और आप क्या हो जाते हो? मग्न हो जाते हो। आप आलबार ट्रिकी वीडियो देखते हो और मग्न हो जाते हो, तो आलबार शब्द का अर्थ क्या होता है? मग्न होना, है ना। बोले सर मैं तो आलबार आपका ट्रिकी वीडियो देखता हूँ और मग्न हो जाता हूँ, है ना। तो मग्न होना आलबार का अर्थ होता है। और आलबार भक्तों की संख्या थी 12। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसे माना है? सूफी काव्यधारा की बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न कवर होने वाले हैं। अब आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताना है, तो चार विकल्प हैं, 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे। तो एक क्रम से दिया है बिल्कुल दोस्तों, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो माना है वो ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा, किसे माना है? ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा। और मैंने आपको याद करवाया था कि ईश्वर की कथा सत्य होती है, और इस कथा को हम एक बार नहीं कितने बार पढ़ेंगे? 1000 बार पढ़ेंगे। कितने बार पढ़ेंगे? 1000 बार पढ़ेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसे मानेंगे? किसे मानेंगे? ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को, क्योंकि ईश्वर की कथा सत्य होती है और सत्य कथा को हम 1000 बार पढ़ेंगे, ठीक है, 1000 बार पढ़ेंगे। तो इसको याद रखेंगे। असायत कृत हंसावली, असायत की रचना हंसावली, जिसका रचना काल 1370 है, ठीक है। मुल्ला दाऊद की चंदायन 1379 इसका रचना काल है। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा 1501 इसका रचना काल है। कुतुबन कृत मृगावती 1500
तीन इसका रचनाकाल है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने सूपी काव्यधारा की प्रथम रचना किसे माना है? तो मृगावती को माना है, मृगावती को माना है और प्रथम कवि माना है कुतुबन को। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जिसका रचनाकाल क्या है 1503 है। अब एक क्रमबद्ध में अगर कभी पूछा जाए तो पहले हंस लिया करो, पहले हंसो फिर चांद को देखो, पहले हंसो फिर चांद को देखो फिर सत्य कथा सुनो और फिर क्या हो जाएगा आप, है ना, मृग को देखो। इस प्रकार से याद करना है कि पहले हंसो फिर चांद को देखो, सत्यवती कथा और मृगावती, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको जो आपकी क्रमबद्ध है ना दोस्तों, वो इसी प्रकार से याद करवा देंगे, क्रमबद्ध वाले जो आपकी रचनाएं हैं, जो आपके कवि कवि हैं उनको करवाएंगे, दिक्कत नहीं करना है। छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? छिताई वार्ता दोस्तों यहाँ पर क्या आया है, ताई, और सभी के घर में ताई होती हैं। बोले हमारी ताई बहुत अच्छी है, ऐसे बोलते हैं ना, हमारी ताई तो बहुत अच्छी हैं, मुझे नारायण जी की क्या सुनाती हैं, कथा सुनाती हैं, और बोलती हैं कि आप नारायण जी की कथा सुना करो, है ना, आपका क्या हो जाएगा, अच्छा होगा, आप एग्जाम में पास हो जाओगे। तो छिताई से आ रहा है ताई, और ताई किसकी कथा सुनाती हैं, नारायण जी की, है ना, तो नारायण नारायण और नारायण की कथा सुनाती हैं ताई। तो छिताई वार्ता की रचनाकार कौन होंगे, नारायण दास, ठीक है। सत्यवती कथा ईश्वर दास की है, तुलसीदास की हमने पढ़ ली थी, रामचरितमानस है ना 1574 इसका रचनाकाल माना जाता है, और अग्रदास की रचना हमने पढ़ी थी कौन सी, ध्यानमंजरी, ध्यानमंजरी आपको याद रहना है, ठीक है। अगला बताना दोस्तों, रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? मैंने तो आपको बता दिया है, क्या बता दिया कि रामायण हमारी क्या है, प्राण है, रामायण हमारी प्राण है, तो रामायण महानाटक के रचनाकार कौन होंगे, प्राण है तो प्राणचंद चौहान, है ना, रामायण हमारी क्या है, प्राण, तो प्राणचंद चौहान एलटी ग्रेड, है ना, मैं पूछा गया था ये क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कुतुबन की तो मृगावती अपने पढ़ ली है, तुलसीदास की अपन ने रामचरितमानस, है ना, वरवे रामायण, रामज्ञा प्रश्न और कृष्ण गीतावली, ये सारी सारी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। गोकुलदास की बात करें तो 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, ये गोकुलदास की रचनाएं हैं, है ना, इनको भी आपको याद रखना है दोस्तों। आगे पूछा जाता है श्याम सगाई के रचनाकार कौन है, श्याम सगाई, और दोस्तों जल्दी से बताना है, श्याम जी के जो बाबा थे वो कौन थे, नंद बाबा, आप लोग बोलते नंद बाबा, और नंद बाबा ने बोला कि श्याम अब क्या हो गए, बड़े हो गए हैं, अब इनकी क्या कर दी जाए, सगाई कर दी जाए, किसने सोचा, नंद बाबा ने, तो नंद बाबा ने श्याम की सगाई, श्याम की सगाई किसने की, नंद बाबा ने, तो नंददास, श्याम सगाई के रचनाकार कौन होंगे, नंददास। नंददास की दोस्तों क्या है, भंवर गीत भी है, भंवर गीत है ना, और रूप मंजरी है, अनेकार्थ मंजरी भी इन्हीं की है, ठीक है, बहुत सारी है नंददास की रचनाएं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ट्रिक से, कभी नहीं भूलोगे आप। तो श्याम सगाई तो याद हो गई होगी कि नंद ने सोचा अब श्याम की सगाई कर दी जाए, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा की प्रथम महाकवि माने जाते हैं दोस्तों, और इनकी जो महाकाव्य है वो कौन सा है, पद्मावत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत ही श्रेष्ठ है ना साहित्यकार हुए हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ग्रंथ हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, इनको तो याद करेंगे ही। तुलसीदास को काली काल का जो वाल्मीकि कहा है वो किसने कहा है, वाल्मीकि बताना है दोस्तों, काली काल का वाल्मीकि किसने कहा है, जल्दी बताओ, काली काल का वाल्मीकि किसने कहा है, तो आपको पता है दोस्तों कि हम बोलते हैं काल आ गया, क्या आ गया, काल आ गया, तो काल कहाँ से आता है, धरती में से कि नभ से, आप देखते हो कि हे भगवान काल आ जाता मुझे तो उठा लेता, है ना, तो काल कहाँ से आएगा, नभ से आएगा, तो कली काल, कली काल का वाल्मीकि किसे कहा जाएगा, किसने कहा है, तो नावादास ने, नभ से आएगा काल, है ना, तो कली काल का वाल्मीकि नावादास ने कहा है, किसे, तुलसीदास को, ठीक है, याद करना है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा है, तुलसी तरु, और तुलसी तरु की बात हो रही है दोस्तों, पौधे की बात हो रही है ना, और इसलिए इन्हें तुलसी तरु कहा गया कि तुलसी इतना पवित्र पौधा माना जाता है, और आपको पता है कि 24 घंटे आपको ऑक्सीजन प्रदान करता है, दिन रात ऑक्सीजन प्रदान करता है तुलसी और पीपल के वृक्ष, है ना, बहुत ही पवित्र माना जाता है, और तुलसी के जैसी
सरस्वती थी, किसमें? तुलसीदास में, तुलसी तरु और तुलसीदास इस प्रकार से। तो ये मधुसूदन ने कहा है, ठीक है, किसने? मधुसूदन ने, और मधु मतलब होता है भौंरा, तो भौंरा किसके पास जाएगा? तरु के पास तो जाएगा, है ना, तो मधु तरु के पास जाएगा, इसलिए मधुसूदन सरस्वती ने तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु कहा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगला बताना, भक्तमाल के टीकाकार कौन माने जाते हैं? भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास हैं, अग्रदास हैं, हेमचंद्र या फिर देवसेन हैं। तो आपको बताना है दोस्तों, भक्तमाल रचना है किसकी? नाभादास की। लेकिन भक्तमाल के कौन बताना है? टीकाकार बताना है। और मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि जो भक्त देते हैं, भक्त होते हैं, वो भगवान के प्रिय होते कि नहीं होते, जल्दी बताओ। भक्त भगवान के प्रिय होते हैं, इसलिए भक्तमाल के टीकाकार कौन होंगे? प्रियादास। कौन होंगे? प्रियादास होंगे। तो आ नंबर आपको याद रख लेना, क्योंकि भक्त भगवान के प्रिय होते हैं, तो प्रियादास, ठीक है। अग्रदास की तो हमने पढ़ी ही थी कि अग्रदास की ध्यान मंदिरी, हेमचंद्र अपभ्रंश के व्याकरणाचार हैं, देवसेन दोस्तों हिंदी की प्रथम रचना है इनकी, कौन सी? श्राप का चार, ठीक है, श्राप का चार 933 ईस्वी जिसका रचना काल है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक चैलेंज प्रश्न दिया जाता है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, आपको कमेंट में इसका उत्तर बताना है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अवधि, भोजपुरी, ब्रज या फिर मैथिली? तो इसकी भाषा आपको बताना है कमेंट में। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी को इसका उत्तर बताना है, ठीक है, सभी लोग बताएंगे। और आपका जो पिछला चैलेंज प्रश्न था, चित्रलेखा किसकी रचना है, तो चित्रलेखा किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। हमने कैसे इसको याद किया था कि हमें जो हम पुस्तक पढ़ते हैं, जो हम रजिस्टर में पढ़ते हैं, जो नोट्स पढ़ते हैं, सबसे पहले पृष्ठ पर हमें चित्र बनाना है, किसका? भगवती का। भगवती का बनाओगे तो आपका कल्याण जरूर होगा। इस प्रकार से हमने दोस्तों हिंदी साहित्य की निरंतर रोज अपनी क्लास चलती है सुबह 9:30 पर, है ना, जिसमें हम टिर्की बे में समझते हैं। शाम को रात्रि 9 भी आपका टेस्ट होता है, है ना, विस्तृत अध्ययन करते हैं, टेस्ट होते हैं। तो हिंदी साहित्य की दो क्लासें आपकी चलती है, सुबह 9:30 और रात्रि 9, ठीक है, तो इन जरूर देखें इनको। हिंदी व्याकरण की आपकी 8 क्लास होती है, तो उसको देखें, वीडियो को लाइक करें। जो भी अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े वो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और दोस्तों व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप ग्रुप है अपना 9098609291, ये व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप ग्रुप में आपको जुड़ सकते हैं। इस पर मैसेज करेंगे तो व्हाट्सअप ग्रुप की आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम में आपको सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस सुमित जैन, ठीक है, और फेसबुक पे आपको सुमित जैन सर्च करना है, और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना है, और शेयर जरूर करना है। लाइक तो सभी लोग करेंगे। जय हिंद।